चलिए दोस्तों, आज की टेक न्यूज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस टेक न्यूज़ में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुनने को मिल जाएगा। जी हाँ, क्योंकि वन प्लस की तरफ से वन प्लस का जो 10 सीरीज़ जो आने वाला था, जो नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर में आने वाला है, वन प्लस का CEO है वो ट्विटर में कुछ ट्वीट किया है। जी हाँ, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो में बने रहिए, और पहली बार अगर चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल में जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तब आपके पास फर्स्ट नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, वन प्लस का जो CEO है वो अनाउंस किया है वन प्लस 10 सीरीज में फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर डालने का कंफर्म किया है। जी हाँ, जो लेटेस्ट जो ब्रांड न्यू कंपनी का जो क्वालकॉम का जो स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 जो प्रोसेसर लॉन्च हुआ है इसी महीने में, उस प्रोसेसर डालने की बात किया है वन प्लस की CEO ने। जी हाँ, तो आई होप कि वन प्लस का जो जितने भी सीरीज आएगा, वन प्लस टेन आएगा, वन प्लस 10 प्रो आएगा, वन प्लस 10 मैक्स आने वाला है, तो इस तीनों सीरीज में आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं अगला जो दूसरा न्यूज़ है उसके बारे में। तो गाइज, मैं बताना चाहूँगा जो गूगल फोटो, जो पिछले एक वीडियो में मैं आपको बताया था, जो गूगल फोटो के लिए जो फोल्डर होता है उसका लॉक आप कर सकते हो, उसका जो फीचर्स लाने वाला है गूगल की तरफ से वो अभी रोल करने वाला है। फर्स्ट जो सैमसंग का फ़ोन है उसमें रोल करने वाला है। तो गाइज, आपके पास अगर सैमसंग का अगर लेटेस्ट फ़ोन होगा तो आप अपडेट कीजिए आपके गूगल फोटो को। आई होप कि वो फीचर्स आपके स्मार्टफोन में आ जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसके बारे में। तो दोस्तों, नंबर 3 पे आती है सैमसंग का एक स्मार्टफोन। जी हाँ, सैमसंग का जो एक स्मार्टफोन, जो सैमसंग गैलेक्सी S22 का जो सीरीज लॉन्च करने वाला है, और जिस फोन में आपको प्रोसेसर देखने को मिल सकता था जो एक्सीनोज का प्रोसेसर, जी हाँ, एक्सीनोज 2200 में प्रोसेसर मिलने वाला था, बट वो अभी कैंसिल हो गया है। जी हाँ, उसका प्रोसेसर जो डालने वाला था सैमसंग की तरफ से वो अभी कैंसिल हो गया है, बाकी सब कुछ सेम है। सो सैमसंग का जो CEO है वो अनाउंस किया है जो सैमसंग में भी जो क्वालकॉम का लेटेस्ट जो प्रोसेसर है वो डालने वाला है, वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, अभी जो प्रोसेसर है वो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल चिपसेट में नाम आती है उसका। जहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अभी एप्पल का भी इतना ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर नहीं है, बट एप्पल का भी न्यू ईयर में कुछ नया एक धांसू और ज़बरदस्त चिपसेट आने वाला है, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए जान लेते हैं अगला जो न्यूज़ है। तो गाइज, मैं अगला न्यूज़ बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, अगला न्यूज़ में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और सरप्राइज जैसे आपको मिलने वाला है। जी हाँ, गूगल के बारे में तो सभी को पता है, जो गूगल, विदाउट गूगल कुछ भी नहीं चल सकता है। जी हाँ, इंटरनेट की दुनिया गूगल की, गूगल को छोड़ के इंटरनेट की दुनिया अंधेरा है। तो गूगल की जो कुछ स्मार्टफोन वगैरह निकाला था, गूगल पिक्सल वगैरह, गूगल पिक्सल 5, गूगल पिक्सल 6, गूगल पिक्सल 6 है, तो सेम उसी तरह, जी हाँ, सेम उसी तरह गूगल की तरफ से भी स्मार्ट वॉच लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, गूगल पिक्सल स्मार्ट वॉच, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और जिस वॉच में आपको सैमसंग का आपको चिपसेट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, गूगल सैमसंग का चिपसेट यूज़ करने वाला है, जिसका ऑफिशियल इमेज का जो टीज़र है, जो ऑफिशियल टीज़र भी आ गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आई होप कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा इस गूगल पिक्सल वॉच, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और फीचर्स के साथ लॉन्च करने वाला है। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिए, लाइक करके शेयर कमेंट जरूर कीजिए। कुछ भी अगर कमेंट हो आपका, कुछ भी मन में सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। और इसी टाइप का वीडियोज़ देखना अगर पसंद करते हो आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए।